वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं अभी हम चेकआउट करके मेडी की तरफ जा रहे हैं और नथिया गली से हम जो हैं वो उसको बाय बाय कह रहे हैं। फिर इंशाल्लाह रास्ते में और मरीज में मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर आपके साथ, तो मैं अभी पहुंची हूँ सिंध हाउस में। ये है सिंध हाउस मरी, और अभी दो दिन का स्टे हमने यहाँ पर सोचा है कि यहाँ पर करें। तो देखिए जनाब, ये है सिंध हाउस मरीम। यहाँ पर भी ठंड बहुत है, कहीं कहीं पर हमें थोड़ी स्नो नजर आई। ये है इसका किचन, फ्रिज भी पड़ा हुआ है। और ये मेरा मेमे, ये इसका रूम, ये डाइनिंग हॉल, बल्कि ये लाउंज ही समझ ले आप। और ये इसका दूसरा रूम, ये हमारा लगेज, और बाहर का व्यू मैं दिखा दूं आपको। तो जनाब, ये है बाहर का व्यू। सिंध हाउस, खूबसूरत सा चांद। और मैं हूँ अभी माल रोड पर। ठंड बहुत ज़्यादा है। अब मैं डिनर के लिए बच्चों का कर रही हूँ इंतज़ार। तो जैसे बच्चे आ जाएं तो फिर हम करते हैं डिनर शुरू। तब तक मैं बैठी हुई हूँ उनके इंतज़ार में। वो अगर आ जाते हैं तो फिर मैं डिनर का ऑर्डर देती हूँ कि हमें आज क्या खाना है। वैसे मेरा आज मूड हो रहा है कि चिकन जल फ्रेजी में खाऊं। तो देखते हैं, यहाँ पर सीट है सामने होटल उस्मानिया, जिसका खाना मुझे अच्छा, यहाँ के उस्मानिया का नहीं लगता लेकिन इस्लामाबाद के उस्मानिया का अच्छा खाना लगता है। तो या मैं मरहबा के बाहर बैठी हुई हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारी बुकिंग जो थी वो सिंध हाउस में थी, तो वहाँ पर हमें और बच्चों को मज़ा नहीं आया। तो इसलिए मैंने अभी ये रेस्टोरेंट देखा है मरहबा। तो यहाँ पर मैं दो दिन के लिए बुकिंग करवा के आई हूँ। तो इंशाल्लाह हम जो है वो कल यहाँ पर एक दिन या दो दिन स्टे करेंगे और बच्चे भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि वो हमें बहुत दूर पड़ रहा था। तो इसी वजह से हम ये देख रहे हूँ। और ये मैं अभी हूँ माल रोड मरी में।
फिर आपके साथ रहूंगी इंशाल्लाह, साथ ही फिर ये देखें जी बना हुआ है ऊपर ये चांद खूबसूरत सा, और ये रास्ता है एक जिंदगी। ये देखिए कदीमी दरख्त, पाक सर जमीन शाद बाद, किश्वर हसीन शाद बाद, अजमे आली शाह अजमे पाकिस्तान मरकजे यकीन शाह। देखिए मरी का व्यू, अभी रात के 11 बज रहे तकरीबन 11:30, और ये संडा हाउस, और ये हॉर्स।